मेरा पड़ोसी है ना हिंदुस्तान, मुझे उससे बड़ा प्यार है। मुझे कोई ऐसा हिंदुस्तानी नहीं मिला जो जिगर तान के बोले कि चलो मैं तुम्हें इंडिया लेके चलता हूँ। सीमा इधर बहुत ज्यादा चर्चा में थी, अब पाकिस्तान की एक और बेटी, पाकिस्तान की एक और लड़की सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। जानते हो ना आप क्या मांगा है मैंने, हिंदुस्तान। हाँ वहाँ आना चाहती हूँ। मैं तो सख्त बोलती हूँ, कड़ा बोलती हूँ कि मुसलमान मर्द और कुत्ते के अलावा पाकिस्तान में कोई बचेगा नहीं। सारी की सारी महिलाएं हिंदुस्तान आने के लिए परेशान है, उत्तेजित। मैं तो इंडिया को कभी भी अपना दुश्मन नहीं तसव्वुर करता, बल्कि मैं तो अपने आप को एक इंडियन ही समझता हूँ जिसको तारीख के जबर ने जबरदस्ती पाकिस्तान का पासपोर्ट थमा दिया है। मेरे जो फोर फादर्स हैं वो हजारों सालों से इंडियंस हैं। हमने तो बीच में उठा करके पाकिस्तान दे ही दिया, अब उसके बाद फिर उठा उठा करके वहां से लड़कियां लेकर के आया जाए और यहाँ पर हम उसको यहाँ पर पनाह दे, दिस इज नॉट पॉसिबल। पाकिस्तानी सिनेमाओं में इंडियन फिल्में नहीं चल सकती क्योंकि मसला कश्मीर है। पाकिस्तान के अंदर बनारसी साड़ी नहीं आ सकती क्योंकि मसला कश्मीर है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जो क्रिकेट मैच है ना, उसके लिए हम मिनते करते हैं, प्लीज हमारे साथ क्रिकेट खेल लो। पाकिस्तान जो हमारा मुल्क जो सारा ये बेड़ा गर्क किया इस फौज ने हमारी के। अच्छा। सब सारा कसूर ही फौज का है, ये हमारी फौज ने हमें भूखा मारा है, ठीक है। पाकिस्तान को 10 पैसे की अक्का भी मुफाद किसी भी तरीके से अगर अगर भारत से मिल रहा है तो उसको इमीडिएट बंद कर देना चाहिए, इमीडिएट बंद कर देना चाहिए। मैं जितनी देर भी हो गई है आजाद हुए, ठीक है, आज तक हमें रोटी पानी कपड़ा इस नारे से बाहर निकलने नहीं दिया गया। ऐसे ही है, ठीक। आप इंटरव्यू कर रहे थे जायद हामिद साहब का, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई जी, वो ये भी कह रहे थे कि अल्लाह ने हमें पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं, गजवाए हिंद लड़ने के लिए बनाया है। नालियां साफ फौज कर रही है, कोई भी ड्यूटी फौज कर रही है, बॉर्डर पर ड्यूटी फौज दे रही है, हर जगह फौज कर रही है। आप फौज के खिलाफ बोल रहे, ये ऐसी बात मत करें। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको मालूम होगा जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता तब इंडिया और पाकिस्तान की जनता काफी ज्यादा उत्साहित रहती है और वह अपने अपने टीम को काफी ज्यादा सपोर्ट करती है। लेकिन अभी अभी पाकिस्तान की एक लड़की का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है जो कह रही है कि मुझे इंडिया की टीम बहुत ज्यादा पसंद है और मैं पाकिस्तान जैसे नर्क में रह रही हूं, मुझे इंडिया बुलाओ, मोदी जी से उसने अपील की है। दूसरी तरफ आपको मालूम होगा जब से कश्मीर में 377 धारा को इंडिया ने हटाया उसके बाद से पाकिस्तान ने यह कहा कि हम इंडिया से कोई भी संबंध नहीं रखना चाहते, कोई भी डिप्लोमेटिक संबंध भी नहीं रखना चाहते। लेकिन वहीं इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर के पाकिस्तान हमेशा यह कहता है कि इंडिया की टीम कभी भी पाकिस्तान नहीं आती। तो चलिए दोस्तों इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आर्मी चीफ का कहना यह है कि वो इकोनॉमी संभाल रहे हैं और डॉलर रेट नीचे लेकर आएंगे, तो आपके ख्याल से बॉर्डर कौन देखेगा? जाहिर है बॉर्डर हमारा वापडा देखेगा या पीटीसीएल देखेगा, क्योंकि फौज का अपना जो काम है वो तो वो शायद करते नहीं है। 1948 की जंग जो है पाकिस्तान आर्मी ने हारी है, 1965 की जंग पाकिस्तान आर्मी ने हारी है, 1971 में तो जैसे हारी थी सारी दुनिया ने देखा, 1998 में भी हारी है। और ये बात मैं आपको अपने मुताले से हट कर एक जाती जो एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो बुखारी ऑडिटोरियम है उसमें हमारे साबिक सेक्रेटरी खारजा थे शमशाद खान साहब, तो वो शमशाद अहमद साहब शायद, तो वो मुझे मिले एक दफा, तो वो कहने लगे कि नौजवानों को आज तक पता ही नहीं है मुताले पाकिस्तान की वजह से कि पाकिस्तान आर्मी जो है आज तक किसी भी जंग में सक्सेसफुल नहीं हुई है। चले इसके पीछे उनकी जो भी पेशावराना मजबूरियां या जो भी मसले रहे हों वो एक तरफ, लेकिन आप ये देखें कि ये जो कहा जाता है कि आर्मी चीफ की इंटरवेंशन की वजह से डॉलर जो है वो 250 रुपए पे आएगा, तो पहले मुझे ये बताएं कि अगर आर्मी चीफ की इंटरवेंशन की वजह से डॉलर 331 रुपए पर पहुंचा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? गौरव आर्या बड़ी अच्छी बात करते होते हैं कि एक कसाई जो है कभी भी हीरा नहीं तराश सकता, एक चॉकलेट मेकर कभी केक नहीं बना सकता, एक जो शेफ है वो कभी बिल्डिंग नहीं बना सकता, इसी तरह एक फौजी जर्नैल कभी भी इकोनॉमी को बिल्डअप नहीं कर सकता, और यही पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल की सबसे बड़ा नुक्स है। अब तो खैर हम पहले भी खैर हमारा कोई कंपैरिजन नहीं था भारत के साथ, लेकिन अब तो हम इस हाल में आ गए कि वो शायद हमें दुश्मन भी नहीं मानते। दुश्मन होने के लिए भी कुछ थोड़ी सी तो इज्जत होनी चाहिए ना, तो बंदा कहता है चलो ये हमारा दुश्मन है, अब तो वो मतलब किसी खाते में ही नहीं हम।
नहीं नहीं, मैं तो इंडिया को कभी भी अपना दुश्मन नहीं तसव्वुर करता, बल्कि मैं तो अपने आप को एक इंडियन ही समझता हूँ जिसको तारीख के जबर ने जबरदस्ती पाकिस्तान का पासपोर्ट थमा दिया है। मेरे जो फोर फादर है वो हजारों सालों से इंडियंस हैं, ठीक है। तो मसला तो मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैं आपसे ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ अगर हिंदुस्तान हमें अपना दुश्मन नहीं मानेगा, क्योंकि हमारी जो हालत है तो इतना कमजोर और इतना बेकार। आपको किसने कहा है कि हिंदुस्तान हमें दुश्मन मानेगा तो उससे हमें कोई फायदा होगा? हिंदुस्तान को दुश्मन बनाने का फायदा तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी को है। पाकिस्तानी सिनेमाओं में इंडियन फिल्में नहीं चल सकती क्योंकि मसला है कश्मीर है। पाकिस्तान के अंदर बनारसी साड़ी नहीं आ सकती क्योंकि मसला है कश्मीर है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जो क्रिकेट मैच है ना, उसके लिए हम मिनते करते हैं, प्लीज हमारे साथ क्रिकेट खेल लो, प्लीज हमारे साथ क्रिकेट खेल लो। अच्छा, पहले मैं समझता था कि जर्नैलों को ना क्रिकेट बड़ी पसंद है, इस वजह से वो उसको एक खसूसी एक्सेप्शन देते हैं। लेकिन फिर मैंने अपनी राय पर दो चार दिन पहले नजरें सानी की, पाकिस्तान और इंडिया का जब क्रिकेट मैच होता है ना आरजू, तो आपके सारे चैनल्स जो होते हैं भरे होते हैं ऐसे सिकंदर बख्त जैसे तजिया कारों से, जैसे पता नहीं तीसरी आलमी जंग छिड़ गई है, उससे भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट को हवा मिलती है। प्लीज ट्राई टू गेट माय पॉइंट कि पाकिस्तान इंडिया मैच को एक जंग में कन्वर्ट करके एक नॉर्मल मैच से एक दीनों दुनिया का जो मार्के में तब्दील करके, एक हक्को बातल के मार्के में तब्दील करके, पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट को हवा देती है। ये बात बड़ी गौर करने की आरजू। मैंने पाकिस्तान इसलिए नहीं छोड़ा कि मुझे पाकिस्तान से चिढ़ है, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूं, मैं पाकिस्तान के लोगों से, उस लैंड से प्यार करता हूं। मसला यह है कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो जुर्मों जो जबरो इस्तबदाद का जो निज़ाम है, जिसने हमसे सोचने समझने लिखने बोलने की सलाहियत छीन ली है। आरजू, हर शो के बाद आपको भी कहा जाता है कि आप उस मुल्क में कैसे जिंदा हैं, आपको भी हर शो के बाद धड़का लगा रहता है कि आपको कोई फोन ना आ जाए, आपके प्यारों को कोई नुकसान ना हो जाए, आपको कोई उठा कर ना ले जाए। ये जो खौफ में जीना है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। खतरा ये नहीं होता है आरजू काजमी कि कोई घर के बाहर आपके बंदूक लेकर खड़ा है, खतरा ये होता है कि कोई आपके घर के बाहर किसी भी वक्त बंदूक लेकर आ सकता है और आपकी हस्ती बस्ती जिंदगी को ताराज कर सकता है। आरजू, सारा का सारा लाहौर बंद, 10 बजे फैक्ट्रियां फैसलाबाद की बंद है, पूरा पाकिस्तान बंद है, ये हमारी ये जो गंदी पॉलिटिक्स हमें कहाँ पे ले आई है? ये चीज़ आपकी ठीक है, लेकिन ये सोचे कि पाकिस्तान जो हमारा मुल्क जो सारा ये बेड़ा गर्क किया इस फौज ने हमारी के, अच्छा। सब सारा कसूर ही फौज का है, ये हमारी फौज ने हमें भूखा मारा है, ठीक है। आना भी एक टाइम बच्चों को खिला रहा हूँ, साफ फौज कर रही है, कोई भी ड्यूटी फौज कर रही है, बॉर्डर पर ड्यूटी फौज दे रही है, हर जगह फौज कर रही है। आप फौज के खिलाफ बोल रहे हैं, ये ऐसी बात मत करें, ये मात बोले, कोई भी काम है सपोर्टर जो सामने आए ना, अपनी अपनी बात रखो, भूखा फौज मारी है, मैं देता हूँ। आप भाई थोड़ा पीछे हो जाओ। 1973 के कानून के मुताबिक एक पार्लिमानी मुल्क ये कहता है कि आप अपने नुमाइंदे खुद सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे है कि नहीं कर सकते हैं सिलेक्ट? इधर बच्चे बच्चे बुजुर्ग को भी पता है हमें सिलेक्ट करके कौन हमारे ऊपर आके बैठता है, कौन सिलेक्ट करते हैं। जितनी देर भी हो गई आजाद हुए, ठीक है, आज तक हमें रोटी पानी कपड़ा इस नारे से बाहर निकलने नहीं दिया गया, ऐसे ही है, ठीक ठीक है। लेकिन जो ऊपर बैठा हुआ है, जो अफसराने आला बैठे हुए हैं, ठीक है, वो 75 साल से 77 साल से क्या कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने इस मुल्क के साथ क्या किया? मोहतरमा फातिमा जना, उनके साथ क्या हुआ? उनको गद्दार करार दे दिया गया, फिर बाद में उनको कत्ल करवा दे दिया गया, और फिर बाद में ये कहा गया कि उनकी डेथ हुई है, डेथ नहीं थी, उनको कत्ल करवा दे दिया गया। कायदे आजम के साथ क्या हुआ? लियाकत अली खान के साथ क्या हुआ? ठीक है, अगर कायदे आजम को जो है वो सर्विसेज नहीं थी दी गई, इसमें मतलब एम्बुलेंस खराब कर दी थी कोई, हाँ, इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? लियाकत अली खान की शहादत हुई, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? उसको क्यों दबा दिया गया? ठीक है, मोहतरमा फातिमा जना के साथ क्या हुआ? तो जब इतने इतने बड़े लीडर के साथ ये सब कुछ हो सकता है, तो फिर हम क्या है, हमारी क्या हैसियत है?